नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रक्षित नंदन। श्री राम सेवक सभा द्वारा आयोजित नंदा देवी महोत्सव इस साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। महोत्सव का यह 120वां साल है और श्री राम सेवक सभा इसे 1926 से लगातार आयोजित करते आ रही है। रविवार को राम सेवक सभा में शहर की महिलाओं के साथ बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मनोज शाह और संचालन जगदीश बवाड़ी ने किया। बैठक में महिलाओं ने सभा से पूरा सहयोग करने को कहा। इस दौरान मुकेश जोशी ने बताया कि इस साल दीपदान के साथ छोलिया दल होगा, जो उत्तराखंड की संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। महोत्सव में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। डोला भ्रमण में भी महिलाएं भाग लेंगी। कदली भ्रमण में महिलाएं पिछौड़ा पहनकर प्रतिभाग करेंगी। कैलेंडर और झंडे घर घर दिए जाएंगे। महोत्सव को भव्य रूप दिया जाएगा। सेवक सभा नैनीताल द्वारा नंदाश्री नंदा देवी महोत्सव का ये 120वें वर्ष में आयोजन किया जा रहा है। 1918 में श्री राम सेवक सभा स्थापित हुई और 1926 से वो लगातार श्री नंदा देवी महोत्सव का आयोजन करने का सौभाग्य उसे मिला है। इस वर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, जो माँ नैना देवी मंदिर में इसका आयोजन किया जाएगा। और प्रथम दिवस को 1 तारीख को इसका उद्घाटन होगा और 2 तारीख को कदली वृक्ष का भ्रमण माँ वैष्णो देवी मंदिर से मलिताल की तरफ और फिर नैना देवी मंदिर की तरफ हम सब लोग चलेंगे। 3 तारीख को मूर्ति निर्माण का काम होगा और 4 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में अष्टमी के रोज मूर्ति स्थापित की जाएगी ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर दर्शन जो हमारे श्रद्धालु हैं वो उनके दर्शन कर सकेंगे और माँ का आशीर्वाद ले सकेंगे। तो ये थी नैनीताल से हमारी सहयोगी दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।